للشمس ينبغي لها أن تذيق القمر على الليل سابق النهار
إذا قيل لهم انفقوا ما أنفق الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقهم ولو شاء الله أطعموا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يدرون إلا سيئات واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولو بقى في الصور فإذا من الأزلاف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئات واحدة فإذا هم يحيون لدينا مخزنون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنهم لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعمل قوم لا مالكون وجللناها لهم فمنها لكم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فلا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بل آبهم والخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Yeah.
दे दे भाई।
Yeah.
आमीन इस खैर को अपने दिल में बसाए रखना है जो खैर अमल है, एहसन अमल है। ये एहसन अमल क्या है? विलायत का इकरार है। तो विलायत का इकरार करने के बाद सिर्फ इकरार काफी है का नहीं? जैसे नमाज के लिए कहा गया कि कयाम रुकू और सुजूद है, इस तरीके से इकरार विलायत भी तकाजा मांगती है अमली मैदान में आ जाए। इंसान अमली मैदान हो तो इमाम ने फरमाया कि हमारे शिया वो होते हैं कि जो हमारी न सिर्फ विलायत का इकरार करते हैं बल्कि हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारे गम में गम बनाते हैं। ये एक अमली मैदान हो गया खुश होना। इंसान कैसे खुश होना? खुश होना इजहार मसर्रत करना। इजहार मसर्रत में तहनियत भी होती है, इजहार मसर्रत में ममदू की मर्तबत भी पढ़ी जाती है जिससे मोहब्बत रखता है इंसान, उसके खसाए भी पढ़े, उनकी मार्फत भी हासिल करें। तो हमारे पास विला का भी तरीका मौजूद है, अदा का भी तरीका। कि विला भी हमारा मोहतरम होता है और अदा भी हमारी मोहतरम होती है। ये ऐसे नहीं है कि हमने रायज कर ली है, बल्कि इसके तरीके भी हमें अइमे मासूमीन ने बताए कैसे हमारी मदा करना है, कैसे हमारा गम मनाना। विलायती का मतलब ही यही है कि चेहरे हशाश बशाश हो जाए, खुश हो जाए, चेहरों पर सदर के आजार हो जाए। विला कर अल्लाह का मौका ये है कि जैसे ही मसाए बयान हो बल्कि नाम ही अगर आ जाए तो आंखों में आंसू आ जाए। ये है मुकाम मंजिलत अजा। इसलिए सैयद शुहदा ने फरमाया नहीं सुनेगा मोमिन मेरा जिक्र मगर एक कि उसकी आंख में आंसू आ जाए, क्योंकि खुदा ने असर ही रखा है सैयद शुहदा के नाम ही में। और जब नाम ही में है तो मसाइल की मंजिल तो और है। तो अर्ज कर रहा था कि जहां ये दुनिया बिल्कुल छोटी सी है इसमें जितना हो सके हम कार्य खैर करते चले जाए और ऐसा अमल करते चले जाए, खैर अमल से वाबस्ता होते चले जाए। अब इसके बाद ये सारी चीजों के लिए एक चीज होती है मारिफत। अमल करने के लिए मारिफत जरूरी है, नमाज पढ़ने के लिए पहले मारिफत जरूरी। बेशक इसी तरीके से इंसान को अजा की भी मारिफत होनी चाहिए, विला की भी मारिफत होनी चाहिए। इसके लिए ही कहा गया कि जियारत को सब जाते हैं लेकिन जियारत बमारिफत किया जाए, बमारिफत किया जाए। कमा हकहु मारिफत हासिल नहीं हो सकती। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने मुकम्मल विलायत अली के बारे में जान लिया है, मैंने फजाइल अली जान लिए हैं। कोई नहीं कर सकता, कोई दावा नहीं कर सकता। जबकि मेराज मंजिल पर जा रहे हैं पैगंबर इस्लाम जिब्राइल से कह रहे हैं कि ये जो मुकरम की खतार जा रही है जानते हो ये क्या है? तो जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी खिलकत से सब ले गई और ये काफिला रवा धवा है, रुकने का नाम नहीं। और तीसरी बात ये है कि ये कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं मुझे पता ही नहीं, जिब्राइल कह रहे हैं। तो पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुरा करके कहा कि ये जो कतार उठी जा रही है इसमें जो संदूक लगे हुए हैं मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब के फजाइल रखा हुआ है। सलावत पढ़ रहा हूं ना नहीं किया जा सकता कि जितने फजाइल है तो फिर उसकी फजीलत कैसे बयान की जा सकती है, वो साहिब इजाज कैसे हैं। चुनाचे मरहूम हमें मोहतरम बाबा हवाई से बहुत ही मोहब्बत किया करते थे, उन्हीं से मोहब्बत और अकीदत बड़ी थी। और आप जानते हैं कि शबे अरबईन उनका मिसाल हुआ और हमारे लहरा के सामने नमाज जनाजा अदा किया, कितने बड़े एजाजात से नवाजा है सैयद शुहदा ने और बाबुल हवाइज ने। बाबुल हवाइज की जब बात आ गई जब मंजिल अर्ज करके गुजर जाऊं शोरा हजरात तशरीफ फरमा है, तीन शेर का इस्तेफादा करूंगा ताकि मरहूम को इस अलग सवाब पहुंच जाए और आपके सुने हुए हैं लेकिन एक अलग रूप से सुनिएगा। जब आप मौला के पहाड़ पर जाते हैं नीम घोड़े पर, जब एक तख्ती लगी हुई हो
उस पर एक शेर लिखा है। क्या शेर है? दरे अब्बास पर ले लो इजाजत मोमिनों आकर। अच्छा, दरे अब्बास पर ले लो इजाजत मोमिनों आकर, यही वो दर है जो मुश्किल को शाह तक लेके जाता। यानी बगैर बाबुल हवाइज की मारिफत के न सैयद शहदा की मारिफत है, ना ही मौलाए कायनात तक इंसान पहुंचता है। ये ऐसा बाबुल हवाइज है, ऐसा बाबुल मुराद है जिसकी मारिफत इंसान, वरना अगर देखा जाए और अलग मौजू हो जाएगा। इताअत के मफहूम को अगर किसी ने समझाया है तो बाबुल हवाइज, सब्र के मौजू को अगर किसी ने समझाया है तो जनाब अब्बास ने समझाया, शुजाअत के मौजू को अगर किसी ने समझाया है तो अब्बास ने समझाया, अलमदारी अगर कहीं मखसूस हो गई है तो जनाब अब्बास ने मखसूस हो गई है। सफाए अहले हरम कहलाए कि तो कयामत तक के लिए इंसान जब कभी भी कहेगा सफाए अहले हरम, खाका जनाब बाबुल हवाइज का। कितने ऐसे मुकाम मंजिलत है बाबुल हवाइज के, जिन्हें गिरा के खुदा ने बाबुल मुराद बना। ये है मुकाम मंजिलत के अब्बास के मारे पर हासिल करें। तो उसका शेर अर्ज कर रहा हूँ, अब तो खैर नहीं है, इंशाल्लाह फिर वो कंधा हो जाएगा जो हमारी बड़ी बारगाह की बारगाह है, वहाँ एक बड़ी मश्क लगी हुई होती थी, वहां पर एक शेर कंधा होगा। वो शेर अगर आप सोचे तो अजमत अब्बास कुछ ना कुछ इरफान हासिल हो जाए। क्या है? लड़ता अगर तो देख चमकती दमिश्क में, बहुत अजीम मिसरा है जिदान इकराम, करबला में अगर इसने बगा मिल जाता बाबुल हवाइज को, अगर वहां लड़ाई होती अब्बास की, अगर तलवार चलती तो आपने मशहूर मागूस सुना, बच्चों के लिए अक्सर बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, जब कभी भी कासिम हो या उमर मोहम्मद हो या अली अकबर हो या खुद सैयद शहदा हो, जब तलवार चलाई है तो फौजें फसीले ऊपर टकराती थी। खुदा को ज्यादा से मुशर्रफ करबला किला और कूफा किला, फसीले कूफा से फौजें टकराती थी दौड़ते हुए। तो आप सोचे कूफे के बाद यानी शाम की मंजिल कहां है, दमिश्क की मंजिल कहां है? शायर ने अजीब रुख की तरफ इशारा फरमाया कि लड़ता अगर तो देख चमकती दमिश्क में, लड़ता अगर तो देख चमकती दमिश्क में, सफेद जान दे दी सकीना देश, सफेद जान दे दी सकीना देश। कैसे मोहब्बत किया आज भी अगर हमारे दरमियान है जनाब अब्बास का तो मशक मोहब्बत है। तो तीसरे शेर के लिए जरूरत है, वो शेर भी अजीब उनवान का शेर है जनाब, इससे मंजिलत अब्बास जानिएगा। जब कभी भी अलम अब्बास को देखें आप, जो पंजा हमारे दरमियान में रहता है, ये अलम अब्बास का पंजा, जब कभी भी आप इस अलम मुबारक को देखें, इस पंजे को देखें, तो इस ये शेर जहन में रखें, एक तासुरात अलग ही पैदा, एक कैफियत अलग ही पैदा हो। फरमाता है शायर, खुदा ही जाने ये पंजे में कितनी कुव्वत थी। दूसरे शेर पर मुलाहजा तवज्जो चाहूंगा, खुदा ही जाने के पंजे में कितनी कुव्वत थी, पकड़ कर चलता था हैदर की उंगलियां अब्बा। खुदा ही जाने के पंजे में कितनी कुव्वत थी, पकड़ कर चलता था यानी कमसिनी ने हैदर कर्रार की उंगलियां थाम कर चलने वाला। नारे की हमारे लिए इबादत से कम नहीं है। इस नारे का असर
क्या होता है, एक तो हमारे दिल गनी होते हैं, दूसरा असर बातिल का दम निकलता है। दो असर आते हैं, एक मोमिनीन के दिल कवी होते हैं, फरहान होते हैं, दूसरे क्या होता है, बातिल का दम निकल जाता है। मुख्तसर बच्चों के लिए अल्लाह-ए-गिरामी, जंग में जब कुफार मुशरिकीन ने मुसलमानों को ताना दिया, क्या ताना दिया, ये कह करके इन्ना लना उज्जा वला उज्जा रखी, क्या ताना दिया, उनके पास एक बुत था जिसका नाम उज्जा था, जिसकी वो पूजा किया करते, उन पर अस्थिर करते, और ये नौ मुसलमान थे ये वो बुत को छोड़कर ये वो बुत की पूजा पहले करते थे, कलमा पढ़ने का मुसलमान हो गया, उनके मुकाबले पे आ गए, तब उन्होंने उसी बात का ताना दिया जो इनके दिल में मोहब्बत थी उन बुतों की, उस उज्जा की मोहब्बत थी, तब तकलीफ हुई दिल में, क्या ताना दिया, इन्ना लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा है तुम्हारे पास उज्जा नहीं है, ऐसा ताना दिल को झिझोड़ दिया, क्योंकि पहले से परस्तिश करते थे ना, मोहब्बत करते थे इससे, तो वही ताना इन लोगों ने दिया कि हम अब हमारे पास उज्जा है तुम्हारे पास उज्जा नहीं है, इन्ना लना उज्जा वला उज्जा लकुम, दौड़ते हुए पैगंबर के पास आए, आगे कहने लगे या रसूलल्लाह कुफार मुशरिकीन हमें ताना दे रहे हैं, क्या ताना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास उज्जा है हमारे पास उज्जा नहीं है, इन्ना लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमें ये ताना दे रहे हैं, तो पैगंबर ने मुस्कुरा करके ये नारा वहां से चला, ये नारा जो हमारे पास आया वहां से चला, पैगंबर ने जाकर कहा कि जाओ जाकर तुम भी नारा लगाओ, तो या रसूलल्लाह कैसे नारा लगा, हमें क्या मालूम क्या नारा लगाना चाहिए, तवज्जो फरमाइए, हमें क्या नारा लगाना चाहिए, हमें क्या मालूम, तब पैगंबर ने कहा कि जाकर के कहो इन्ना लना मौला वला मौला लकुम, अपने लिए इस्तेमाल किया, पैगंबर के लिए इस्तेमाल किया और मौला कायनात के लिए इस्तेमाल किया, अल्लाह तुम्हारा मौला है, रसूल तुम्हारा मौला है और अली तुम्हारा मौला है, ये मुकाम मंजिल से बात आ गई थी, अर्ज कर दिया मैंने, अल्लाह ने कहा कि मैंने काबिल फायज का जिक्र मकसूद है, आज भी पहचान जारी है हजरत के पास का, आज भी पहचान है, अय्याम अरबईन चल रहे हैं, कितने ऐसे जायरीन होंगे जिनकी इमदाद अब्बास कर रहे हैं, हमारा यही यही मारूदा है बाबुल हवाइज से, हमें भी ये अय्याम अरबईन करबला में करना नसीब, अज़ीज़ाने गिरामी यकीनन अब्बास इमदाद कर देते हैं, एक ऐसा मेहमान रखने वाला शख्स जो जायरीन की खिदमत किया करता, ज़ियाफ़त किया करता था, साले ऐसा आया कि उसके पास माले दुनिया से कुछ नहीं था, इमाम हुसैन के करीब आकर के बैठ गया, बैठ करके कहने लगा कि मौला क्या आपके जाहिर इस वक्त मेरे घर मेहमान नहीं हो, क्या मैं उनकी ज़ियाफ़त नहीं कर सकता, पहलू में एक पुरानी शब बना हो, भाई तुम्हारी अगर कोई हाजत है तो मुझसे बयान करो, हाजत तो है लेकिन तुमसे नहीं, जिससे है मैं उन्हीं से बयान कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं भी तो इन्हीं का गुलाम हूँ, कितना प्यार है जाए उसका, तो मैं अपने घर में मान रखता हूँ, हमारे दुनिया से मेरे पास कुछ नहीं है, शर्मिंदगी हो रही है, हमेशा
शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो लेकर के चले एक ऐसे मुकाम पे जहाँ काफी मेदार में अनाज रखा हुआ था। का भाई तुम्हें जितना चाहिए उतना ले। ये आगे बढ़कर के अनाज को जमा करने लगा, जाहिर सी बात है काफी मेदार में अनाज जमा हो गया। तो इसने मुड़कर के कहा कि आपका मुझे बहुत बड़ा एहसान है, इसकी जगह आपको माता ने हुसैन ले ली। जब आपने इतना एहसान किया है तो थोड़ा एहसान और क्या चाहते हो, का ये सामान मेरे घर पहुंच जाए। जब फटवा उन्होंने आवाज लगाई, है आईना की अकबर मखसूस फरमा, रोजगार के हक़ में तारीफ
تمام عالم کے مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ظلم کرنے والے ظالمین کو نیز پناہ بود فرما، مگر آسما رضائی ایک سورہ فاتحہ سے ہمیں محترم سید رافت حسین رضوی صاحب ابن سید مصطفیٰ حسین رضوی و اہلیہ بلکہ جہاں بیگم صاحبہ سید مرتضیٰ حسین رضوی سید ابن سید رافت حسین رضوی نجیب خاتم صاحبہ بیٹے سے کہہ رہے
याद आती है, बला के दास्त की सरवर की याद आती है। अजान कहे वो बला से मदीना जा।